ये ईमानदार कहां से है? इसकी बेईमानी तो शुरू से ही है। बेईमानी करके इसने घर बेचा, 18 लाख का 12 लाख में बेच दिया। बेईमानी करके घर का सामान इसने बेच दिया, कुछ इसने बांट दिया। बेईमानी करके जो 3 लाख पे रिपेयर के थे वो लेके आ गई, उसका गहना लेके आ गई, सब कुछ बेच बाच के इसने पाकिस्तान से भी जो सचिन को पैसा बेचा, पाकिस्तान से दुबई बेचा, दुबई से इंडिया में बेचा इसने, हमें जो पता चला, और इसने दुबई से भी इसको पैसा बेचा। तो ये हैदर की कमाई, हैदर की जो रात दिन, वो हैदर रात दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा था, उसकी गाढ़ी कमाई को इसने कैसे लुटाया है आप देखो ना। तो ईमानदारी कहां है? शुरू से ही बेईमानी है इसके अंदर। और भारत में आने के बाद गुलाम हैदर को कहती है कि कुत्ता, कौन महिला ऐसी है जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो और उसको कुत्ता कहेगी? वो बताओ आप, उसको कहती है मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करता। अरे वो इंसान है कि आपने कुछ टाइम पहले उसकी स्टेटमेंट देखी होगी, अब आकर के तो उसका मन बिल्कुल खट्टा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आकर के उसकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, उस बंदे ने इतना होने के बावजूद भी ये कहा कि सीमा कोई बात नहीं, जो गलती है तो गलती जो होगी होगी, तू गलती को सुधार के तू बच्चों के लेके वापिस जा। कहा कि नहीं कहा? सर मैं आपकी, मेरी इस बात पे बात हुई थी, आपकी और मेरी इस बात पे भी बात हुई थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही पड़ी। हम सब ने उसका विरोध किया कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बेइज्जती कर रही है, लेकिन उस बंदे ने फिर भी कहा ना। तो वो इंसान है, उसके दिल के अंदर इंसानियत बसती है, वो फरिश्ते के रूप में एक इंसान है वो बंदा, और उस बंदे को कह रही है गुलाम हैदर को कि ये वहां पर भारत के खिलाफ एक्टिविटी करता है, ये कह रही है कि वो आतंकवादी है। अबे वो अगर आतंकवादी था तो तू 4 बच्चे तूने उस आतंकवादी के तूने पैदा किए, तुझे जब दिखाई नहीं दिया ये अगर आतंकवादी है, 4-4 बच्चे तू पैदा कर रही है? तुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया? तूने किस पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि ये आतंकवादी है? और एक तरफ तू कह रही है जी मैं तो 5 साल से नहीं मिली उससे, है दूसरी तरफ तू कह रही है जी मेरी इसकी बच्ची जो ना वो 4 साल की है। अरे जब तू यहां आई थी वो बच्ची 3 साल की थी, अब वो बच्ची 4 साल की हो गई है, तो हैदर से ना मिले हुए तुझे 4 साल हुए हैं, तो तू झूठ क्यों बोल रही है कि 5 साल हो गए? अगर 5 साल तू झूठ बोल रही है तो ये बता ये बच्ची 4 साल की कहां से आई, बता मेरे को तू बोल। बिल्कुल सही बात, कोरा झूठ, कोरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी ये कहती थी नोटिस नहीं मिला, नोटिस को लेने से इंकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिम था उसने रिपोर्ट लगाई, स्टैंप लगाई और वापस कर दिया जी, लेने से इंकार कर दिया। उसको पटाने की कोशिश करी, पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो कहने लगा जी बड़ा मामला है, और वकील ने वैसे भेज रखा है और नाम भी मोमिन मलिक लिखा हुआ है, कल को वो यहीं से सारा रिपोर्ट चिट्ठा मेरा मंगवा लेगा, मेरी तो नौकरी खराब हो जाएगी। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसने कहा जी या तो आप ले आओ या मैं इस पर रिपोर्ट करता हूं। तो फिर उसने ठोक के रिपोर्ट की कि सीमा हैदर ने नोटिस, जो मानहानि का डेफिनेशन का नोटिस था 10 करोड़ का, वो मना कर दिया। और एपी सिंह ने भी 3-4 बार उसके घर गया, वो ताला लगा के भाग गया जी। एक जो 15 करोड़ का नोटिस था वो भी आज वापिस आया, वो भी 3-4 बार उसपे भी देने के लिए गया, जब भी ताला बंद मिला। लेकिन ये मोमिन मलिक है, मोमिन मलिक ने पीडीएफ बना के एपी सिंह के नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया और उस पर लिख दिया, ये मोमिन मलिक है। अब व्हाट्सएप चला गया, दिखाऊं मैं आपको व्हाट्सएप उसका? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा सर? आपने साथ में गुड मॉर्निंग नहीं लिखा? नहीं गुड सर, ऐसा तो वकील भाई है, जब जब जेल में जाएगा तो गुड मॉर्निंग भी होगी या गुड आफ्टरनून भी होगी, और जब सब काम होंगे। ये देखो वो कहता था कि ताला बंद दिखा दूंगा तो मेरे को पिंडा छूट जाएगा, कहीं दूसरे घर में चला गया होगा, लेकिन मैंने अपना काम बराबर कर दिया। और अब 7 दिन आज से तुम्हारा फिर काउंट हो गए, तो ये लो मैं दिखाता हूँ आपको, आप उसको पहचान सकते हो। एपी सिंह को व्हाट्सएप द्वारा
आज फिर भेज दिया और ये व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे उसकी फोटो लगी हुई है, ये देख लो सर, ये भी है सर, ये तो नंबर भी शो हो रहा है, एपी सिंह का नंबर भी शो हो रहा है, सारा चीजें नजर आ रही हैं। आप एक चीज देखें सर कि ये तो फिर जान नंबर, इसका नंबर तो छुपा देता हूँ, ये देख लो। हाँ पाकिस्तानियों के साथ बैठ के पब्लिक कर दिया आपने नंबर, ये नंबर पूरी दुनिया में है, इस नंबर को छुपाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर तो वैसे भी पब्लिश है। अच्छा सर, आप एक वो तो नेट पे पड़ा हुआ है, कोई भी ले सकता है, नेट पे पड़ा हुआ है। तो ये बताओ, ये डाल डाल तो हम पाट पाट, समझिए राइट, ये डाल डाल तो हम पाट पाट, ये एपी सिंह तो हम मोमिन मलिक, कम हम भी नहीं है, कम नहीं है, इसका सामना मोमिन मलिक से है सामने आपके कोर्ट। ये छिछोरी हरकतें, अगर कहीं भी मेरा लाइव देख रहा हो तो सुन मेरे भैया वकील साहब, हमें अच्छा नहीं लगता, रोज रोज हम आपकी गोभी खोदे नेट पे आके, अच्छा नहीं लगता। आप हमारे वकील साथी हो, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, लिटिगेशन आप हम पे 100 मुकदमे डाल दो, हम जवाब देंगे, कोर्ट में पेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आप पे 10 मुकदमे डाल दें तो आप उन 10 मुकदमों का भी जवाब नहीं दे पा रहे, आप उन पे 100 डालो, हम 100 मुकदमे का मोमिन मलिक जवाब देगा आपको, और डट के खड़ा होगा कोर्ट के अंदर, और गवाही भी कराएगा और जवाब भी देगा और हर चीज का जवाब देगा। आपसे आप हम आप पे 10 भी डाल दे तो आप पे उन 10 का जवाब नहीं दिया जा रहा। ये छिछोरी हरकतें छोड़ दो जनाब, हमें बदनाम कर दिया हमें, अरे बदनाम जमाना तो तुम पहले से हो, जेड बोर्ड ने बदनाम जमाना पहले से, तुम्हें बदनाम को